एक बार एक गांव में केतन नाम का एक दूध वाला रहता था। जैसा कि केतन गाढ़ा और शुद्ध दूध बेचा करता था, गांव के सभी लोग उससे ही दूध खरीदना पसंद करते थे। केतन गाढ़ा और शुद्ध दूध बेचने में सक्षम था, क्योंकि वह कुछ गायों का मालिक था और वह उन्हें चराने जाता था। वह 8 गायों का पालन पोषण करता था और उसने उनका नाम गंगा, बद्रा, भैरवी, रुद्रवी, बाला, सेतु, चंडी और द्वारक्षी रखा। सभी 8 गायों में से बद्रा वो है जो हमेशा एक या दूसरे तरीके से गड़बड़ी पैदा करती थी और केतन उसके आगे पीछे भागता रहता था। एक दिन केतन ने अपनी सभी 8 गायों को खेतों में निकाला ताकि वे चढ़ सकें। उसी समय बद्रा ने कुछ शरारत करने का सोचा। मैं इस चुप्पी को सहन नहीं कर सकती। कोई मजा नहीं है, कोई मनोरंजन भी नहीं है। मुझे अब कुछ पागलपन करना होगा। उसने झुंड से बाहर निकलने और कहीं छिपने का फैसला किया। जब उसने देखा कि केतन अपने विचारों में खो गया है, बद्रा धीरे धीरे खेतों में घनी घास की ओर चलने लगी और उसके पीछे छिप गई। जैसे ही सूरज ढलने लगा, केतन ने घर वापस चलने के लिए सभी गायों को एक साथ इकट्ठा किया। जल्द ही उसने देखा कि बद्रा गायब है और चिंतित हो गया। उसने चारों ओर देखा और बद्रा का नाम पुकारना शुरू कर दिया, बद्रा, बद्रा। लेकिन वह बदमाश नहीं मिली। हाँ, ऐसा लगता है कि वह मुझे बहुत पसंद करता है। मैं देख सकती हूँ कि वो मेरे बारे में कितना चिंतित है। मुझे लगता है कि ज्यादा हो गया, मुझे उसके पास जाना चाहिए। बद्रा धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर आई और कुछ ही दूरी पर वो केतन के सामने जा खड़ी हुई। जैसे ही केतन ने बद्रा को देखा, वह बहुत खुश हो गया और उसे गले लगा लिया। बाद में वह सभी गायों को एक साथ घर ले गया। जब वे घर पहुंचे, तो केतन ने सभी गायों को बांध दिया और चला गया। अरे बद्रा, तुम खेतों में कहाँ चली गई थी? अरे, इस कारण हम सब बहुत चिंतित थे। हाँ, मैंने सब कुछ देखा। इसका मतलब ये है कि तुमने ऐसा जानबूझ के किया? हाँ, मैं बस ये जानना चाहती थी कि वह मुझे कितना प्यार करता है। वाह, तुम तो बड़ी होशियार हो। तुम केवल एक ही हो जो इस तरह से सोच सकती हो। हाँ हाँ हाँ, तो मैं तुम लोगों की तरह बोरिंग गाय नहीं बनना चाहती। कभी कभी हमें मस्ती के लिए इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं। बद्रा की राय से हर कोई हैरान हो गया। अगले दिन केतन दूध लेने के लिए गाय की शरण में गया। जैसे ही वह वहाँ पहुँचा, उसने एक लाइन में सभी गायों को खड़ा किया और गायों से एक के बाद एक दूध निकालना शुरू कर दिया। बद्रा को छोड़कर सभी ने साथ दिया और केतन केवल उससे बहुत कम मात्रा में दूध एकत्र कर पाया। अरे, ये क्या है? बद्रा को क्या हो गया? वह इन सभी गायों के साथ रहती है और खाती भी है। मैं इन सभी गायों की बराबर देखभाल करता हूँ, लेकिन ये बदमाश दूसरों की तरह दूध की अच्छी मात्रा क्यों नहीं दे रही है? वो दूध बेचने गांव गया। दूध बेचकर जो भी पैसा कमाया, उससे वो बद्रा के लिए कुछ अनाज और मकई खरीदने के लिए गया, ताकि बद्रा अच्छी मात्रा में दूध दे सके। उसने ये सब एक बाल्टी में निकाला। फिर केतन उसे वहाँ छोड़कर अपने घर में चला गया। उसी क्षण सभी गायें बद्रा के पास आईं और पूछने लगीं। आहा, तुम कितनी होशियार हो। तुम उसे सुबह अच्छी मात्रा में दूध नहीं देना चाहती थी, ताकि वे तुम्हें सभी प्रकार के विशेष अनाज और मकई खिला सके। हा हा, कौन उस उबाऊ घास को रोज खाएगा? इसलिए मैंने थोड़ा बदलाव के लिए ऐसा किया। तुम इतनी होशियार कैसे हो सकती हो? क्या तुम अपने चतुर दिमाग का उपयोग करके हम पे भी उपकार कर सकती हो क्या? हाँ, तो मैं क्या करूँ? हम सभी सुंदर बांसुरी संगीत सुनना चाहते थे। जैसे ही द्वारक्षी ने ऐसा कहा, बाकी गायों ने उत्साहित होकर कहा, हाँ हाँ, हम सुनना चाहते हैं। अरे, हम सुनना चाहते हैं।
ठीक है, आप इसे सुनना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। फिर आपको एक काम करना होगा, जब हमारा मालिक अगली बार हमें खेतों में ले जाएगा तो किसी को भी घास नहीं खाना है, तो इससे हमारे मालिक को शायद बांसुरी बजाने का विचार आ जाए। हाँ ठीक है, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करेंगे। उसी दिन शाम को केतन सभी गायों को खेत में ले गया, क्योंकि सभी गायों ने योजना बनाई थी कि वे घास नहीं खाएंगी। केतन ने उस पर ध्यान दिया और उन्हें घर वापस ले आया। उस स्थान पर जो भी अनाज बचा था उसने उसे सभी गायों को सामान रूप में वहां पर परोस दिया। यह 2 दिन तक चला। तीसरे दिन केतन वहां शरण में बैठ गया। वह चिंतित था और सोच रहा था कि कैसे इस समस्या का समाधान करें। लगभग पिछले 3 दिनों से गाय कुछ भी नहीं खा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं उन्हें अनाज और मकई बार बार नहीं खिला सकता हूँ। ऐसे तो वे अच्छी मात्रा में दूध भी नहीं देंगी, और अगर इस तरह से चलता रहा तो मैं क्या करूँगा। जब केतन सोच रहा था उसकी पत्नी सरस्वती उसके पास आई। जी क्या हुआ, आप किस बारे में चिंतित हैं? अरे जब मैं उन्हें चराने ले गया तो गायों ने घास नहीं खाई। यदि वे ऐसा करती रहेंगी तो हमें गुणवत्ता वाला दूध नहीं मिलेगा, हम दूध नहीं बेच पाएंगे और इससे हमारे जीवन पर असर पड़ेगा। अपने पति की बात सुनने के बाद वह विचारों में खो गई और अचानक कहा, जी आप एक काम करें, उन्हें मैदान में ले जाएं और एक बांसुरी बजाना शुरू करें। मुझे यकीन है कि वह घास खाना शुरू कर देंगी। आहा, मुझे लगता है ये सही है सरस्वती। अगले दिन केतन गायों को खेत में ले गया और बांसुरी बजाने लगा। सभी गायों ने बहुत खुश महसूस किया और खाना शुरू कर दिया। मैदान में वापस आने के बाद सभी गाय खुशी से एक स्थान पर एकत्रित हो गईं और गंगा ने बद्रा से पूछा, बद्रा ये सब तुम्हारे कारण है, हम सब बहुत बहुत आभारी हैं। अब मेरा एहसान चुकाने की आपकी बारी है। हाँ तो हमें बताओ। मैं कल दूध नहीं दूंगी, मुझे इसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। हर कोई उससे सहमत था। और अगले दिन जब केतन दूध निकालने के लिए आया तो सभी गाय चौकन्नी हो गईं। केतन आया और एक लाइन में सभी गायों को बांध दिया और अपना काम शुरू करा। जब केतन गंगा से दूध ले रहा था तब बद्रा दूसरी स्थान पर खड़ी थी। जब उसने दूध निकाला तो बद्रा अपने स्थान से तीसरे स्थान पर चली गई। केतन का इस पर ध्यान नहीं गया, उसने सिर्फ एक के बाद एक दूध लेने पर ध्यान केंद्रित किया। अरे बद्रा, तुम कितनी चालाकी से बच निकली, तुम बहुत बहादुर हो। मगर मुझे संदेह है, जब उसने सभी को एक लाइन में बांध दिया क्या उसने तुम्हें नहीं बांधा? तुम उससे कैसे बच गई? हाँ हाँ, तुमने ऐसा कैसे किया? मैंने वही चाल चली। हाँ हाँ हाँ, तो आप लोगों ने भी उस पर गौर नहीं किया। हम गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे भीतर ऐसी बुद्धिमान मित्र है, लेकिन हम अपने मालिक को कैसे धोखा दे सकते हैं जब वो हमारा बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा है। हाँ ये सच है, वह हम सभी के लिए बांसुरी बजा रहा है और वह हमें अच्छा स्वस्थ भोजन खिलाता है। ऐसे व्यक्ति को धोखा देना सही नहीं है जो हम सभी की इतनी अच्छे से देखभाल कर रहा है। सभी गायों ने एक साथ कहा, हाँ हाँ ये सही है। क्या बद्रा, तुम चुप क्यों हो? मैंने आप लोगों को इसी बारे में बताने के लिए सोचा था। किस बारे में? अब से हमें उस पर कोई गड़बड़ या किसी तरह का बोझ नहीं डालना चाहिए। ऐसा क्यों, क्या तुमने भी इस बारे में सोचा क्या? मेरी कुछ इच्छाएं थी और मैंने उन्हें सच कर दिया। दोस्तों मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब से उसे परेशान नहीं करेंगे। बद्रा की बात सुनकर अन्य सभी गायों को बहुत खुशी हुई।
उस दिन से सभी गायों ने वहाँ दिनचर्या का आनंद लिया, जैसे खेतों में जाना, बांसुरी सुनना, घास खाना और घर वापस आना, और फिर अनाज और मकई खाना और अच्छी गुणवत्ता वाला दूध देना, यहाँ तक कि केतन अपनी गायों को स्वस्थ